नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। राजधानी लखनऊ में पूरे नवरात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। कोई भजन, गजल और कोई डांडिया नाइट में मस्त दिखाई दिया। यहीं पर मिथिलेश लखनवी ने अपनी गायकी के सुरों से समा को बांधते हुए दिखाई दिए। कहीं आशियानाथ, कहीं गोमती नगर में हर जगह पर इस समय धूम मची रही मिथिलेश लखनवी की। नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी, स्टार न्यूज भारत से। आज हम लोग गोमती नगर के एक ऐसे तत्वाधान में हैं जहां पर एक नामचीन हस्ती हमारे साथ में मौजूद है और उनका आज प्रदर्शन होना है गजल गायकी के क्षेत्र में। उन्होंने उनका बहुत एक आयाम हद हासिल किया हुआ है, तो आज जानते हैं उन्हें से। सर, आज के जो कार्यक्रम का आयोजन है उसके विषय में थोड़ा सा बताएं सर। मैं मिथिलेश लखनवी, एक दिल्ली की संस्था है ये, जो पूरे देश में और देश के बाहर भी ये लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल। तो इस वर्ष इन्होंने मेरा चयन किया और मुझे गजल गाने के लिए आमंत्रित किया है। थोड़ी देर में भी परफॉर्म करूँगा मैं। आज हमारे जो लखनऊवासी हैं उनको, जैसे कि आप तो काफ़ी प्रसिद्धि है जो रखते हैं इस क्षेत्र में, गजल गायकी के क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगा कि आज क्या है जो कुछ नया सुनने को मिल रहा है। जी, आज मैं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, तो एक माता के भजन से मैं आज का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करूँगा और उसके बाद अपनी कुछ कंपोजिशंस जो मैं गाता हूँ वो गाऊँगा। जैसे एक गजल है छोटे बहर की, आशना तेरे हम हो गए हैं, अब तो तेरे सनम हो गए हैं, तेरे आंखों की गहरी नदी में डूब कर पार हम हो गए। एक ये है और एक सूफी गजल है वाली आशी साहब की, कि हम फकीरों की जो चाहे दुआ ले जाए, हम फकीरों की जो चाहे दुआ ले जाए, फिर न जाने कहाँ हमको हवा ले जाए। ऐसी गजलें पेश करूँगा मैं। यानी कि आज हम लोग एक ऐसे फनकार को सुनने जा रहे हैं जिनके विषय में अगर देखा जाए, जिनके विषय में बात करें, तो हर एक क्षेत्र में नाम घटो करते हुए दिखाई देते हैं। मिथिलेश जी का हम लोग जो लुत्फ लेते हैं, जो एक गायकी है। मैं गौरव वाजपेयी, वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ, स्टार न्यूज भारत से।